जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। अभी भी हम उनके फोटोज वगैरह देख ऐसा महसूस होता कि है क्या। The next morning. Next morning. मछलीपट्टनम का टूर हमारे रहमान साहब सदारत करते हुए रहमान खान साहब का बनाया हुआ टूर है मछलीपट्टनम का। सदर साहब इकबाल साहब ग्रुप के तमाम मेंबर्स बीच की तरफ जाते हुए कृष्णा नदी ये बीच की तरफ जाते हुए मछलीपट्टनम का बीच ये आप देख रहे हैं समंदर मेरे पीछे। हमारे साथी नायक साहब आ रहे हैं और उसके साथ पूरा टूर है पीछे। बाइक राइडिंग बीच के पास घोड़सवारी बहुत ही खूबसूरत बीच मछलीपट्टनम का समंदर ही समंदर।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका TSTU हैदराबाद चैनल में। तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन हैदराबाद की जानिब से टीचर्स के लिए एक मछलीपट्टनम का टूर मुनाकिद किया गया था। मैं हमारे हैदराबाद तेलंगाना टीचर्स यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अहमद ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपको इस प्रोग्राम के बारे में तफसीलात बताइए। TSTU हमेशा से ही तफरीही प्रोग्राम का इनेकाद करते आ रही है। तकरीबन 2014 से हम मुसलसिल इस तरह के हर साल प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। हमारे TSTU के मेंबर्स और दूसरे असातिज़ा साहिबीन इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और मुख्तलिफ तालीमी तफरी के ज़रिए हम मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हैं, वहाँ से वाकफियत हासिल करते हैं और उसका इस्तेमाल तालीमी उमूर में को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से इस दफ़ा हम 2 दिन का प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं। 6 तारीख को हम वहाँ से निकले और 8 तारीख तक का हमारा प्रोग्राम है। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के मछलीपट्टनम का प्रोग्राम था। मछलीपट्टनम पर हम कल वहाँ पर मछलीपट्टनम पर थे। आज हम कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के एक और मुकाम पर, जहाँ पर कृष्णा रिवर और समंदर का जो संगम होता है उस संगम के मुकाम पर हम मौजूद हैं। ये एक इंतहाई पुरलुत्फ और हसीन मनाजिर है यहाँ के। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो रेत है, क्रिस्टल क्लियर रेत है और जो माहौल है यहाँ पर काफ़ी अच्छा खुशनुमा माहौल है। और हमारे कई साथी हैं जो समंदर के अंदर इंजॉय कर रहे हैं, आप उनका भी मुशाहिदा कर सकते हैं। ये तालीमी तफरी हमें कई मानों में मददगार साबित होती है और मुख्तलिफ जोग्राफिकल रीजन्स को देखने का मौका मिलता है। ये मैनग्रोवर्स का इलाका है, यहाँ पर मछली की काश्त की जाती है। मैं इतना कहते हुए अपनी मुख्तसर सी बात को ख़त्म करता हूँ। इसके बाद मैं तेलंगाना टीचर स्टेट यूनियन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद इकबाल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपसे मुखातिब हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम हाजरीन, आज हम मछलीपट्टनम हमसा देवी ब्रिज पर मौजूद हैं और ये तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन की जानिब से मुनाकिद किया गया टूर है। मैं सबसे पहले हमारे मोहतरम जनाब निसार अहमद ख़ान साहब का यहाँ पर नाम लिए बगैर नहीं रहूँगा, क्योंकि मोहतरम की ही ये कोशिशें थी कि असातिज़ा के दरमियान में सारे यानी कि प्रोग्राम्स को रखा जाए और उन्हीं की कोशिशों के ज़रिए से हर साल असातिज़ा साहिबीन का एक टूर का प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता था। तो मैं आज मोहतरम जनाब निसार अहमद ख़ान मौजूद नहीं है और उनके लिए मैं दुआएं मगफरत करता हूँ, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनका यानी कि जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाएँ। तो मोहतरम और नाजरीन, आज हम हमसा देवी ब्रिज की मंजरकशी करने पर यहाँ पर जमा हुए हैं और तमाम असातिज़ा साहिबीन जो हमारे साथ तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन के अंदर जुड़कर यहाँ पर आए हैं, बड़े लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और यहाँ के जो तारीखी मुकामात की मंजरकशी की जाती है, वहाँ से वाकफियत जो हासिल की जाती है, हमने जाकर जो हमारे तुलबा तालिबात के सामने इस बात को रख कर ये कोशिश करते हैं कि उनके अंदर भी एक किस्म का जज्बा पैदा करें, तालीबी एतबार से उनके अंदर भी एक जस्तजू पैदा करें, हमारा असल मकसद है। और हमारी जो कम्युनिटी है, असातिज़ा बरादरी की जो कम्युनिटी है, उनका यही काम होता है कि यही हमेशा फिक्र रही है कि किस तरीके से तुलबा और तालिबात को अपनी मंजिल तक पहुँचाएँ और उनके मुस्तकबिल को किस तरीके से यानी कि रोशन करें, यही हमारा ख़ास मकसद होता है। इसी के तहत हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम को तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन की जानिब से मुनाकिद करते हुए आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम आगे भी यानी कि इस किस्म के प्रोग्राम को मुनाकिद करते रहेंगे और आपके सामने हम बराबर यानी कि नए नए चीज़ों को पेश करते रहेंगे। इसी के साथ ही मैं हमारे जनाब ज़ाहिर साहब और तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकता हूँ। खुदा हाफिज़। इसके बाद मैं तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ऑनरेरी प्रेसिडेंट जनाब सैयद रहमतुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आपको मुखातिब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसा कि अभी अहमद खान साहब
और इरफान साहब अपने ख्याल का इजहार किए। इसी तरह इस नाची सैयद रहमतुल्लाह हेडक्वार्टर सेक्रेटरी भी है और एजाजी हैदराबाद के सदर भी है। जैसा कि आप तमाम बखूबी वाकिफ है, ये असातिज़ा अंजुमन जो है टी एस टी, ये हमेशा से टीचर्स की भलाई कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और हर साल जब भी ये हॉलीडेज आते हैं, ये तिल संक्रांत के हॉलीडे हो या जो सो दशहरे के हॉलीडे हो, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें हम कई जगह गए हैं, लखनावरम गए हैं, सिरीसैलम गए हैं और जो सो कई मुकाम ऊटी गए हैं और कई बहुत से मुकाम पर ऐसा जाते रहते हैं और वहाँ से हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, जो भी कुदरती नज़ारे हम देखते हैं, वो आके हम हमारे स्कूल के बच्चों को बड़ी अच्छे अंदाज से समझाते हैं। ये एजुकेशन टूर की तरह भी होता है और हम तमाम असातिज़ा जो है बैठ के हंसी मज़ाक यानी अच्छे खुशगवार माहौल में ये एक मुत्तहिद एक यूनिटी बनती है। ये हमेशा से चलते आ रहा है, मगर हमें जनाब निसार साहब की कमी महसूस होती है ये प्रोग्रामों में। उमूमन आप लोगों से यही है कि ये यूनियन को इसी तरह से चलते। और एक ख़ास बात मैं आपको बोलना भूल गया कि ये यूनियन की एक क्रिकेट टीम भी है हमारे पास, क्रिकेट के यानी आज तक कोई टीचरों की टीम नहीं है, हमारे पास क्रिकेट टीम भी है और एक नहीं दो टीम बनते हैं और हमेशा जो है सो मैचेस वगैरह भी करते रहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि और हमारी यूनियन कोई चंदा उंदा नहीं लेती है, कोई जो है सो मंथली सालाना जो है सो नहीं लेते हैं। इसके बावजूद टीचर्स के तमाम काम हमारे सदर साहब इकबाल साहब और जो है सो अहमद खान साहब की अच्छी कारकर्दगी है और हाफिज़ साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब वगैरह, ये तमाम लोग फर्जन स्कूलों को जाकर आप टीचर्स के जो मसाइल है उसको आगाही करते हुए उसको मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये चंद अल्फाज कहते हुए मैं टी एस टी जिंदाबाद। इसके बाद मैं तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब एम ए हफीज़ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आपसे मुखातिब हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम यहाँ पर मछलीपट्टनम में तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन के एजुकेशनल और टूर और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मीटिंग और उसके साथ साथ टीचर्स के रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये टी एस टीयू के लिए एक एजाज़ की बात है कि हमारे एक छोटे से बात पर तमाम टीचर्स जमा हो जाते हैं और एक बेहतरीन टूर का इनेकाद अमल में आता है। अब तक हम देखते हैं कि यूनियंस में जो कारकर्दगी की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के चंद मसाइल तक महदूद रहती है, मगर अगर गौर से देखा जाए तो टीचर्स का रिक्रिएशन होना, उनको जो है महसूस करना, तमाम जो है टेंशन से दूर करना, ये भी एक जो है हमने बेड़ा उठाया है। बी एस टी यू ने ये बेड़ा उठाया है और इसको जो है हर साल पूरा करते हैं और इससे टीचर्स हर लिहाज से महसूस होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि हर साल जैसे जैसे जो है आगे बढ़ते जा रहा है ये काफिला बढ़ने के साथ साथ और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और इसी तरीके से इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब मोहम्मद इकबाल साहब और अहमद खान साहब की अनथक मेहनत और कोशिश है कि इस तरीके के प्रोग्राम्स मुनक़द करते रहें। ना सिर्फ ये बल्कि इस टूर में हमने तमाम जो है यूनियन की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया है, तमाम मंडल के प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी से मीटिंग की है और उसके साथ साथ ये सफ़र भी हमारा जारी है। तो मैं आखिर में ये कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि ऐसे ही जो है टूर्स का इनेकाद और इससे बेहतर से बेहतर हम जो है आगे करते रहेंगे और उसके साथ साथ टीचर्स के मसाइल डी एस टी यू हमेशा आगे बढ़कर हल करते रहेंगे। अब मैं तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन हैदराबाद डिवीज़न के हेडक्वार्टर सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद वजीउद्दीन अंसारी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह टी एस टी यू की जानिब से एक टूर रखा गया है
मछलीपट्टनम का, और ये टूर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुपर सक्सेस रहा। आज जो है क्लोजिंग डे है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सुपर 12 यहाँ की टीम के हिसाब से हम लोग जो है टूर पे निकले हैं और बहुत सारे मनाजिर देखे हैं और आज बीच पे यहाँ पे आए हैं हमसला देवी बीच। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन बीच आप देख सकते हैं, पूरे नज़ारे जो है बहुत शानदार और बहुत अच्छा जो है यहाँ का पानी है। हमने काफ़ी इंजॉय किया है, तमाम टूर के लोग जो है पानी में काफ़ी इंजॉय किए और ये टूर बहुत ही बेहतरीन रही। और हर साल हमेशा जो है जब निसार अहमद ख़ान साहब मरहूम जो है बाहयात थे तो हमेशा हर साल जो है एक दो टूर बनाते थे साल में, और कम से कम जो है एक टूर तो कैसे भी होता था। तो उसी ज़िमन में इस साल जो है पेंडेमिक में बहुत ही लोग जो है बहुत परेशान रहे, दो साल से कहीं नहीं गए, तो एक छोटा सा टूर बनाया हमने मछलीपट्टनम का जो बहुत कामयाब रहा और सुपर 12 की टीम ने काफ़ी इंजॉय किया। और ये टूर मैं कहूँगा कि एक बहुत यादगार टूर रहा TSTU की जानिब से, और हमेशा जो है मैं दुआगो हूँ TSTU टीम के मेंबर्स का और ख़ासकर हमारे सदर साहब इकबाल साहब और जो है हमारे अहमद भाई जो टूर को हमेशा ऑर्गेनाइज़ करते हैं बहुत बेहतरीन, बहुत AC रूम वगैरह बहुत शानदार और बहुत प्लानिंग से ये टूर बनाया गया है और बहुत बेहतरीन जो है हम लोग पिकनिक जो है इस तरह से इंजॉय किए हैं। और मैं आखिर में जो है जनाब जायद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे कुछ कहने का मौका मिला, शुक्रिया। और ये टूर बहुत ही कामयाब रहा। अब इस टूर पे जितने भी टीचर्स शामिल थे वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मैं अब जनाब सैयद वाजिद मुहीउद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपको इस टूर के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मछलीपट्टनम का समसा देवी संगम के बीच पर, मेरा नाम वाजिद मुहीउद्दीन है। हम सब यहाँ पर टीचर्स, एक 12 टीचर्स का ट्रूप यहाँ पर आया और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर हमको, हमको मालूमात हुई और हम इंजॉय भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जब समंदर पे हम चल रहे हैं तो हमें जो जो रेती है ये जब समंदर का पानी जब आकर रेती से गुजर रहा हमारे पैर से, तो जो नीचे से जब रेती निकलते जा रही तो हमारा जो पैर के जो अंदर जो रग जो रगें जो होती है वो हमको सुकून सी महसूस होती है। तो जैसे जितना भी कनेक्शन हमारे दिमाग के साथ है तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि दिमागी सुकून जो है काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, हमको दिमागी सुकून भी मिला है। तो बहुत ही हम यहाँ पर इंजॉय किए हैं और हम TSTU के इकबाल साहब और हमारे रहमत साहब का बेहद ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये ग्रुप में शामिल किया, हमें जो आने का मौका दिया। तो आप भी कभी वक्त निकालिए, अपने मसरूफियात में से कुछ वक्त निकालिए, ऐसे कुदरती नज़ारों का कुदरती नज़ारे देखिए और लुत्फानंदोज़ हो जाएं। और समंदर पर आकर आप जो है जो आपका जो दिमागी जो टेंशन वगैरह है वो भी जो है काफ़ी दूर हो सकता है। मैं जाहिद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इंटरव्यू देने के लिए कहा, और तमाम साथियों का भी। बहुत ही हंसी खुशी के साथ ये हमारा ट्रिप चल रहा है, हमारी जो है हम जो निकले हैं टूर पे बहुत ही अच्छे उससे चल रहे हैं। इंशाल्लाह हम आज रात को जो है घर को पहुंच जाएंगे। खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही मशहूर टीचर्स ने हिस्सा लिया है, जिनमें जनाब सैयद जावेद मुहीउद्दीन साहब है, वो आपसे मुखातिब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असातिज़ाने कराम, जमी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर हमशाला देवी बीच पर जो कि मछलीपट्टनम पर मौजूद है यहाँ पर हम आए हुए हैं। मैं अपनी बात को इस शेर से आगाज़ करना चाहता हूँ, वही मंजिलें वही रास्ते वही काफ़िले वही कारवां, अपने अपने मुकाम पर कभी हम नहीं कभी तुम नहीं। हमने यहाँ पर आकर बहुत से अच्छी कुदरती मनाजिर को देखा और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बचपन के वो वाक़यात याद आ गए, वो पाँचवीं जमात का जुमला जो समाजी इल्म में हमारे असातिज़ा ने कराम याद दिलाते थे कि तुम कभी साहिल समंदर पर जाकर ठहर कर देखो तो आपको दूर से पहले धुआं नज़र आएगा समंदर में, और चुमनी नज़र आएगी, उसके बाद कश्ती नज़र आएगी, उसके बाद साबित कश्ती नज़र आएगी, इस तरह से साबित होता है कि ज़मीन गोल है। ये हम सिर्फ पढ़ते हुए आए थे, और तमाम TSTU क़ायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग उन लोगों ने
ख़ास तौर से इकबाल साहब का और हफीज़ साहब का और हमारे अहमद ख़ान साहब का कि उन्होंने बड़ी दिलजमी से नागजीर वजूहत के बावजूद उन्होंने इस टूर को मुकम्मल करके ही बताया और हमें यहाँ ला के इस जैसे महसूस होने का पूरा पूरा लुत्फ़ानंदोज़ होने का मौका दिया। ये उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मनाजिर कुदरती मनाजिर हमें देखने के लिए ख़ास तौर से हम असातिज़ा को देखना चाहिए ताकि हमारा जो नज़रिया है वो काफ़ी वसी हो सके। वो जब वसी होगा तो हम तभी बच्चों को जो है अच्छी तरीके से पढ़ा सकेंगे, उन्हें अच्छी तरीके से बयान कर सकेंगे। यही वजह है कि TS2 हमेशा से हमारे मोहतरम मरहूम काबिल दोस्त निसार अहमद ख़ान साहब वो हमेशा साथ कहा करते थे। मेरी बदकिस्मती है कि उनके साथ कोई टूर पर नहीं जा सका, मगर उनके बाद जो उन्होंने जो इन लोगों को तालीम इनको जो सिखा के छोड़ा है बेहतरीन टूर को मुनक़िद करना, उसमें मैं ये जुड़ गया हूँ और ये मेरा दूसरा टूर है सीरी सलम के बाद और वाकई मैं इससे महसूस हुआ हूँ। मैं उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं सैयद गाज़ीउद्दीन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सदर मोहतरम इकबाल साहब का मशकूर हूँ जो मुझे इस टूर में शामिल किए। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती मनाजिर का लुत्फ़ लेते हुए आप मछलीपट्टनम का साहिल देख सकते हैं। यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी का संगम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन नज़ारा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि मेरी निशानियों को तुम क्या गौर नहीं करते हो, क्या तदब्बुर नहीं करते हो। अफला ताकिलून अफला तदब्बुरून। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत खुशी हो रही है। ये तमाम हमारा ये निसाबी जो तालीमी निसाब है उसका एक हिस्सा है फील्ड ट्रिप जो हम बच्चों को भी साथ शेयर करते हैं। इससे जो है ना ज़हनी जो ना जो हमारे पास आजकल जो तालीमी डिजिटल क्लासेस वगैरह चल रहे हैं काफ़ी ज़हनी बोझ बढ़ते जा रहा है असातिज़ा पे, तो उसके थोड़ा से हल्के के लिए थोड़ा हमारे को यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए ऐसे ट्रिप मुनक़िद किया जाता है। मैं मरहूम निसार मोहम्मद ख़ान साहब का मशकूर हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने ये टूर का फाउंडेशन रखा था तमाम असातिज़ा को शामिल करके। तमाम यूनियन के असातिज़ा साहिबीन इसमें ग्रुप में शामिल होते थे और ये टूर का मज़ा लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जितना भी यहाँ पर लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं उनकी कमी महसूस करते हैं। हम तमाम असातिज़ा तमाम यूनियनों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे टूर प्रोग्राम का इनेकाद करें और अपने बच्चों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि तालीमी हिस्सा है हमारा, इससे हमारी ज़हनी जिस्मानी तमाम सलाहियतों में इसमें फ़र्क हो रहा है। बेहद मैं मशकूर हूँ तमाम इस फील्ड ट्रिप में शामिल होने वाले असातिज़ा साहिबीन का। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।